नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सृष्टि क्लासेज में, जिसमें आज आप लोग देखें क्लास 12th का झारखंड बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल चॉइस क्वेश्चन टर्न वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं और अपने स्कोर को पता करते हैं कि हम कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर में इसमें कुछ गद्यांश दिए हैं, उसका आंसर हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक, सांस्कृतिक में लिप्त लोग, महाकवि, मनीषी चिंतक, आध्यात्मिक पुरुष, अड्डी क्षणिक संस्कृति का अनुसरण करने वाला। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी, महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष। क्वेश्चन नंबर टू, राजनीति और आर्थिक अवस्थाएं किस बात पर अनुपालन करके सार्थक हो जाती है। इसका आंसर होगा शाश्वतता। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा, समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा शाश्वत संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर फोर, लोक में उत्तम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो सत्वधर्मी। क्वेश्चन नंबर फाइव, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया, क्योंकि मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है और मृत्यु से ही व्यक्ति के नए जीवन का सहारा मिलता है। यानी कि इसका आंसर होगा फोर नंबर, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। इसका आंसर होगा जीवन यात्रा के कारण थका जीव, मतलब एक नंबर। सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है, मतलब इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। काया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, काया मतलब शरीर या तो तन, मतलब आठ का तीन नंबर। नाइन नंबर, कर भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के मुद्रण माध्यम में किसमें शामिल किया गया है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट्स, इनमें से सभी, चौथा नंबर। उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशन शुरू हुआ था, तो 1826 ईस्वी, ए नंबर। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है, मतलब सफल संपादन होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। अभी प्रेरणा भी होनी चाहिए, मेगा भी होनी चाहिए, निपुणता होना चाहिए, डी नंबर इसका होगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, हिंदुस्तान समाचार पत्र पर डे निकलता है, यानी कि इसको दैनिक बोला जाता है, दैनिक। टेलीविजन की रजत क्रांति कब आई थी, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल क्या है, मुंबई। फिल्मी दुनिया मुंबई में ही अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। पाक्षिक मतलब था 15 दिन, इसका आंसर होगा तीन नंबर। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या आता है, स्वतंत्र रूप से। क्वेश्चन नंबर 19 कर उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 20, कवि ने किसे अपना संबल कहा है, समाज को। कवि का जीवन कैसा रहा, दुखपूर्ण। सेकंड नंबर, विकल शब्द का अर्थ होता व्याकुल। कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक कांश है, स्कंद गुप्त। बसंत आया कविता का कवि कौन है, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट, जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है, तो कैलेंडर से। नेक्स्ट, मुक्तछंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गाने तो मुझे कविता में कवि के कैसे समय का वर्णन किया है, तो जब मनुष्य में जिस वक्त खत्म हो जाती है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर हमारा और डी नंबर, जब जीवन निराशा से भर जाता है, और बी नंबर भी, तीनों मिला के इसका होगा चौथा नंबर।
28 में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए 29 नंबर, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता है, किसका कथन है? महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी आदत सुनाने लगे? तो कोहाट और रावलपिंडी दोनों से। अरे 3 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का 6 श्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? रसमीमांसा। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर में से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष। नेक्स्ट, सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो 2। ढेले चुनो निबंध के माध्यम से समाज में नहीं किन कृतियों को बयान प्राप्त किया गया? अंधविश्वास पर। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है? बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका। नेक्स्ट है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद किन उपन्यास का अंश है? रंगभूमि का। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? भैरव ने। चालीस नंबर, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? भैरो। अब कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? झोपड़ी का जलना। धन्यवाद।